ये बात इसे फिक्र नहीं है चोट लगने का, बस ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। तो देखिए मैं जंगल में खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है आप मेरे सारे कलाम सुनते हैं, शाह भाई की लोकेशन सुबह को 9 बजे मेरे चैनल पर आती है वो भी देखते हैं। तो चलिए मैं आज आपको अपना गाँव घुमाता हूँ, मैं बताता हूँ मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा और मैं कहाँ रहता हूँ और मेरे गांव का नाम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको घुमाता हूँ आज अपने छोटे से गांव में। आप लोगों की बहुत सपोर्ट मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं साथ हैं। तो हमारी 4 लाख की फैमिली होने वाली जैसे कि हमारे वीडियो में बताता हूँ। चलिए मैं अपना छोटा सा गाँव घुमाता हूँ, पहले मैं उससे पहले आपको बता दूँ कि मैं रहता हूँ यूपी में और यूपी के जिला अमरोहा में रहता हूँ। अमरोहा और मुरादाबाद के बीच में यानी बॉर्डर पर हम रहते हैं, यानी यहाँ से पास में इधर जाएंगे तो उस साइड में देखिए ये पीछे देख सकते हैं, इस साइड में जाएंगे तो 2 किलोमीटर चलने के बाद में गांव आएगा मंसूरपुर, तो वो लगता है जिला मुरादाबाद में। और 2 किलोमीटर यहाँ इधर आने के बाद हमारे गांव की तरफ आने के बाद में ये गांव लगता है यानी ककराली, ये लगता है जिला अमरोहा में। तो हम अमरोहा जिला और जिला मुरादाबाद के बिल्कुल बीच में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा गाँव है, पीछे देख सकते हैं आप, मैं भी गाँव के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और गाँव का नाम है ककराली माफिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत दुआ देते हैं मुझे और सियाब भाई के लिए भी दुआ करते रहते हैं। देखिए सियाब भाई के साथ साथ आप हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करें, बिलखसूस उनके लिए दुआ करते रहे जो परेशान हाल है। बस मेरी ये तमन्ना है अल्लाह ताला हर मुसलमान भाई बहन की परेशानी दूर कर दे, जिस परेशानी में भी जो मुबतला है, जिनकी नेक जायज तमन्नाएं हैं अल्लाह उन्हें पूरी कर दे परवरदिगार। आप लोग भी बस ये दुआ करते रह करें हमेशा, हर वक्त हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपना छोटा सा गाँव घुमाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हमारे गांव के पास में एक गांव है पते खालसा, वहां पे एक मीनार बनी है 140 फीट की यानी कि मस्जिद की मीनार है, वो आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए मैं बैक कैमरा चलाता हूँ अपना, अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कैमरे का इसका जूम जो है मोबाइल का ये S21 Ultra है सैमसंग का, अल्हम्दुलिल्लाह 100x का इसका जूम है, वो तो जो मून को भी कैप्चर करता है यानी चांद को, वो भी फोटो में इसके बाद में दिखा दूंगा आपको। आपको वो मीनार दिखाता हूँ जो यूपी के अंदर भी अभी शायद इतनी बड़ी मीनार नहीं है जो हमारे गांव के पास में पते खालसा में बनी है। देखिए ये 3x जूम हो गया, ये हो गया 10x जूम, वीडियो में सिर्फ इसका इसमें 20 यानी 20x जूम तक दिया है। तो ये मैं अपने गांव में खड़ा हूँ बाहर रोड पे और अभी इसको जूम आउट करके दिखाऊंगा कि कितनी है। इस मीनार को आप देख सकते हैं अभी 10x जूम है, अभी इसका 20 यानी 20x जूम करते हैं। ये देखिए मेरे अजीजों ये 20x का जूम है, यानी कि मीनार आप देख सकते हैं जो आजू बाजू में ये 2 मंजिले 3 मंजिले हैं यानी 2 मंजिल 3 मंजिल मकान है शायद ये, देखो तो ये भी इसके जड़ में है मीनार की और ये 140 फीट की मीनार है जड़ से यानी नीचे से लेकर ऊपर तक। अब मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये चमक भी नहीं रही, देखो ये देखो मेरे अजीजों आप बता नहीं सकते मीनार कहाँ है, बहुत छोटी सी चमक रही है दूर से। तो 20x का जूम करने के बाद में इतना फ़ायदा मिला इस मोबाइल से कि आप ये तकरीबन यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये 2 किलोमीटर नहीं बल्कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास ये मीनार बैठेगी। और हम इसको देखिए 3x हो गया और ये 10x हो गया और ये 20 हो गया, इसको करने के बाद में मीनार हमारी आप देख सकते हैं घर भी सही चमकने लगे। हालांकि इन घरों के ऊपर अगर कोई बंदा खड़ा होगा, छत पर खड़ा होगा और वो इधर उधर देख रहा होगा तो उसको हम कैप्चर कर सकते हैं कि कोई ना कोई छत पर खड़ा है। तो देखा आपने मेरे अजीज़ों ये कितना फ़ायदा मिला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शाह भाई के पास गया था इसी फोन को लेकर गया था। चलिए अब हम चलते हैं अपने गांव की तरफ, ये गांव के बाहर में खड़ा हूँ, इंशाल्लाह भी होती है आगे मुलाकात। ये हमारे चचा आ रहे हैं देखो सामने, ये हमारे चचा आ रहे हैं देखो सामने, ये हमारा चराया गांव का दुकान। ये देखिए हमारे चचेरे भैया है राजा, ये देखिए बुग्गी लेके जा रहे हैं, तो देखिए नाज़रीन इकराम ये हमारी मदीना मस्जिद है जो हमारे मोहल्ले में लगती है। यहाँ से हमारा गांव यानी जो अभी बाहर का हिस्सा देखा अपने गांव का, यहाँ से गांव के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। देखिए ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बहुत शानदार बनी हुई है, इसका नाम है मदीना मस्जिद। ये आप देख सकते हैं 2 मीनारों रेडीमेड की मीनार है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत
अच्छी मस्जिद है। अंदर से मैं आपको अभी मस्जिद भी दिखाऊंगा कि अंदर से कैसी मस्जिद है, जो हमारे मोहल्ले में पड़ती है मस्जिद। ये गांव की स्थिति वैसे ठीक है, लेकिन शहर के मुकाबले जो फैसिलिटी शहर में होती है वो नहीं है। चलिए मैं पहले आपको मस्जिद दिखाता हूँ कि अंदर से मस्जिद कैसी है। तो देखिए नाज़रीन इकराम, ये इमाम साहब का कमरा है जिसको हुजरा बोलते हैं। ये मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ है, मिला हुआ। और ये जो गैलरी जा रही है अंदर, ये वुजू खाने की तरफ जा रही है। आप लोग सोचेंगे यार ये पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, लेकिन जो चीज दिखा रहा हूँ आपको बेहतर दिखा रहा हूँ। ये गैलरी है यानी वुजू खाने की तरफ, ये आप देख सकते हैं सामने, ये वुजू खाना है। मस्जिद के पीछे सारा सिस्टम ये ले लिया है, लेटरिन बाथरूम भी इधर ही है और ये वुजू खाना है। ठीक है भाई, अब आपको मस्जिद दिखाते हैं, मस्जिद कैसी है। नाज़रीन इकराम, ये हमारे चचा खड़े हैं छोटे से, अब आपको हम इन्हें दिखाते हैं इनका जूम करके। चचा कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, चैनल सब्सक्राइब करें, कहो जोर से। ये बात सामने देखिए, इमाम साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। छोटा सा इधर मदरसे का एक कमरा है। बाकी पहले आपको मैं मस्जिद का दीदार कराता हूँ, पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, बाद में अंदर से दिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए ये बाहर से मस्जिद का मेन फ्रंट है, अभी प्लास्टर हो चुका है, लेकिन प्लास्टर तो हो चुका है नाज़रीन, लेकिन अभी इस पे जो है टाइल्स नहीं लगी है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये पूरी मेन फ्रंट है जो ककरली गाँव में मस्जिद है और अमरोहा जिला लगता है। ठीक है, वीडियो में बने रहे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, कुछ भाई पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो बताएं हमें, मैं कमेंट्स में बताता हूँ, तो इस वीडियो को देख लेंगे, सबको पता लग जाएगा कि हमारा गांव कौन सा है, हम कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। तो देखिए नाज़रीन इकराम, ये सब में टाइल्स लगी हुई है और ये छत भी देख सकते हैं आप, छत भी माशाल्लाह बहुत शानदार बनी हुई है और ये पत्थर बिछा हुआ है सब में। अभी बाहर का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये बाहर का नज़ारा है और ये अंदर का नज़ारा है और ये मिंबर शरीफ है सामने। ये देखिए माशाल्लाह 8 सफ़े हैं इसके अंदर, जहाँ पे हम नमाज अदा करते हैं, इसके अंदर 8 सफ़े हैं, 8 4 स्तंभों से, यानी कि जो ये जो पिलर खड़े हैं बीच में, 4 सफ़े इनसे आगे को हैं आप देख सकते हैं और 4 सफ़े इनसे पीछे को हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिंबर है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत शानदार मस्जिद। तो चलिए अब आपको मौलाना से मिलवाते हैं। ये बच्चे जो है इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, मदरसे पढ़ाई चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सब बच्चे पढ़ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, देखिए सलाम का जवाब मिल चुका है। ये हमारे मौलाना तहजीब आलम साहब हैं और ये माशाल्लाह हमारी बस्ती के ही हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत जोर शोर से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ो बेटे, पढ़ो पढ़ो। आप देख सकते हैं बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं और मौलाना भी मेहनत से पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों अब आपको अपने मोहल्ले में एक छोटा सा झूला दिखाते हैं जो लगा हुआ है इस टाइम। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था झूला लगा हुआ हमारे मोहल्ले में, ये बच्चे झूल रहे हैं। देखो कला दिखाओ भाई, कला दिखाओ, ये देखो कला दिखा रहे हैं, ये मजा नहीं आ रहा, ये देखो क्या बात जा रही है। देखो ये हरे हरी साइड वाला बहुत खतरनाक हो रहा है और ये भी बहुत डेंजर हो रहा है। ये बात देखो, इसने इसे हरा दिया, ये फुल मस्ती में है इस टाइम बच्चे। क्या करो क्या करो भाई क्या करो, और सब्सक्राइब करो। ये बात, ये देखो इसे फिक्र नहीं है गिर के चोट लगने का,
बस ये कूदने पे है। बच्चे ये बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के बारे में? सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। तो हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई की तरफ से खूब सारे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। क्या बात है, इनसे तो कह नहीं रही, लेकिन फिर भी बेचारे कह रहे हैं चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए घोड़ा है, इसको घोड़ा ही बोलते हैं। और ये तो ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, ये शायद अपने घर से कुछ कूड़ा वगैरह डालने के लिए लाया है। यहाँ बच्चे कूड़ा डाल के जाते हैं और यहीं पे इन्होंने झूला लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी साफ जगह थी साइड में, तो ये लगा लिया उन्होंने। बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। चलिए ये देखिए कूड़ा इसने डाल दिया है, ये देखिए इसने कूड़ा डाल दिया यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है, बच्चे सभी यहाँ डाल के जाते हैं तो इसकी क्या खता है। तो देखिए गाइस अभी आगे चलते हैं, ये छोटे से कब्रिस्तान है यहाँ पर। अभी मोहल्ले में थोड़ी सूमसाम सी पड़ी है, तो दोपहर का वक्त है जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तकरीबन इस टाइम 2:30 या 3 का टाइम हो रहा है, तो 3 बज रहे हैं दोपहर के, इसलिए यहाँ सूमसाम पड़ी है। रास्ते में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देखिए सामने फाटक है, हमारे ताऊ का घर है, और यहाँ पर कुछ लोग ये बैठे हैं। ये वही झूला आ गया, फिर हम पीछे से घूम के आए थे। ये देखिए कुछ लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। ये चलिए ये रहा हमारा मोहल्ला। और ये सामने से हमारे साहिब भाई आ रहे हैं, अभी हम तुम्हें इनसे मिलवाते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये देखिए हमारा छोटा सा प्यारा सा ये घर है बाहर का, ये हमारा गेट है और ये हमारी छोटी सी दुकान है परचून की। ये हमारे अरवाज भाई अंदर बैठे हैं, तो ये हमारे साहिब भाई हैं। क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के बारे में? भाई लोग जितने भी आप देख रहे हैं यूट्यूब से, सब्सक्राइब कर दे सलमान भाई का चैनल। सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये हमारे नूर भाई हैं, देखिए माशाल्लाह, देखिए जा रहे हैं थैली में लटका के कुछ लेके जा रहे हैं। शायद इनके घर मेहमान आए हैं, तो हो सकता है कि नाश्ता कराएंगे मेहमानों का। तो देखिए हमारी छोटी सी दुकान है परचून की, अभी सामान भी थोड़ा कम है इसमें, अभी सामान गए पापा लेने के लिए, तो ये भर जाएगी शाम को। ये मोहम्मद अरवाज है और ये मोहम्मद सोहेल है। ये सोहेल भाई है और ये देखिए ये अरवाज भाई है सामने जो बैठे हैं। क्या कहना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबर साहब? सब्सक्राइबर से यही कहना है बस तहलका मचा दो। क्या बात है भाई, तहलका इनका मतलब ये है कि चैनल को खूब सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, ये मोहल्ला मैंने आपको दिखाया, ये राइट साइड है और ये हमारे घर की लेफ्ट साइड है। और आप देख सकते हैं छोटा सा अभी ये गांव है, अभी आप गांव के पल्ले सिर्फ आपको लेके चलते हैं। अब मैं आपको गांव की दूसरी साइड में लेके चलता हूं। तो मेरे अजीजों, मैंने अभी आपको घुमाया अपना प्यारा सा छोटा सा गांव जो पड़ता है जिला अमरोहा में, यूपी के जिला अमरोहा में, और गांव का नाम है ककराली माफी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अभी मैंने ये गांव आपको इसलिए दिखाया है कि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, कमेंट में करते हैं भाई आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके गाँव का नाम क्या है। तो मैंने इसलिए ये ब्लॉग बनाया, ये वीडियो बनाई, ताकि आप लोगों सभी को मालूम हो जाए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीजों, मैं आपसे सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ कि रोजाना 9 बजे हम शहाब भाई की लोकेशन बताते हैं, रोजाना 9 बजे सुबह को, हर रोज हम शहाब भाई की लोकेशन बताते हैं। रोजाना 9 बजे आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएं और आपको शहाब भाई की अपडेट इंशाल्लाह पाकिस्तान तक तो मिलती रहेगी। 180 किलोमीटर पाकिस्तान अभी बचा है जहां पर शहाब भाई चल रहे हैं, पंजाब के जिला फरीदकोट में और बाघा बॉर्डर से करीब है बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मेरे अजीजों, मैं सिर्फ मकसद ये था मेरा जो मैंने आपसे बताया अभी कि लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पर जो भाई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दे यार, वीडियो को लाइक कर दे। मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, मैंने आपको अपना गांव घुमाया अल्हम्दुलिल्लाह और दिखाया है आपको गांव में क्या क्या हो रहा है। फिलहाल देखिए इस टाइम दोपहर का टाइम था, तो गाँव में कुछ लोग नहीं थे, ज्यादातर जो है सूमसाम थी। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी आपको अपना गाँव दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जोहर की नमाज के बाद में मैंने वीडियो शूट किया था, हो सकता है असर की नमाज के बाद में अपलोड करूंगा, या आप देख रहे होंगे तो असर के बाद देख रहे होंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अगली वीडियो में, कल या परसों मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ में, आपको कुछ नई चीज दिखाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करते रहे, हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करते रहे जो परेशान हाल है, बिलखसूस उनके लिए दुआ करते रहे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।